बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। ये जी मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी जा रही है और सर्दी के मौसम का आगाज़ हो रहा है। ओ सिरप लिया। मौसम की तब्दीली की वजह से मुर्गियों में भी तब्दीलियां आ रही हैं, नज़ला ज़ुकाम और इनके गले ख़राब हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना भी मुमकिन हो सके केमिकल और ज़्यादा तेज़ दवाइयों से दूर रहें। तो इसके लिए हम तूस स्या करछी का जो है बड़ी लाइट हल्की सी दवाई है, ये पानी में मिलाकर देते हैं ताकि अभी जो आगाज़ ही है, अलामात ही शुरू हुई हैं खांसी नज़ला और मुर्गियों में बुखार की ज़ुकाम की, तो इन अलामात में अगर हम शुरू में ही पेशबंदी के तौर पर इनका इलाज कर लेंगे तो इनमें ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे और इनकी तबीयतें ज़्यादा ख़राब नहीं होंगी। जब सर्दी का आगाज़ होता है तो मुर्गियों में नज़ला ज़ुकाम और बुखार की बहुत ज़्यादा शिकायत पैदा हो जाती है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल हल्की सी दवाई बता रही हूँ जिसका नाम तूस स्या है। ये करछी दवाखाने की तरफ से तैयार की गई है। ये पुराने वक्तों का गले की सफाई का यही टोटका है और बड़ा कारआमद है। मैं अपनी मुर्गियों को कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा केमिकल वाली और ज़्यादा जो हाई पोटेंसी की दवाई ना दूँ, क्योंकि इससे इनके जिगर और दिल फटने का ख़तरा होता है, और ज़्यादा हार्श दवाई दे दें तो इनके मुर्गियों का जिगर फेल हो जाता है। अगर हम इन्हें ज़्यादा हाई पोटेंसी की दवाई देंगे तो इनके अंडों की पैदावार पर असर पड़ता है और अंडों की पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह दवाई आप पानी में मिलाकर 5 दिन तक दें, इसका कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं।